hello learners welcome back to my youtube channel today we will discuss about the 8th worksheet which is from economics 2nd chapter people as resource in our previous session we discussed about the resources human resources human capital and working population वर्किंग पॉपुलेशन 15 टू 59 नाइन ईयर्स के जो पॉपुलेशन होती हैं हम उसको कहते हैं यानी कि जो काम कर सकते हैं इसको हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया था डिटेल में डिस्कस किया था टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेक्टर्स ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी सो दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं स्पेशली आज के टॉपिक से तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुना है एंड बिफोर स्टार्टिंग आर टुडे सेशन इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो As I told you earlier, that uh, don't worry about these labors. I am here. I will complete your labors, and I assure you, if you learn with me, if you will learn with me, then you will get good marks. So, subscribe my channel and press the bell button. So, start our today's topic. स्टूडेंट्स बहुत सारे जो हमारे चारों तरफ पीपल हैं वो बहुत सारी एक, एक, एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और ये सब किस लिए काम करते हैं टू अर्न मनी फॉर अर्निंग कुछ जो काम होता है वो इंटरेस्ट से करते हैं और कुछ कंपलसन में करते हैं कुछ अर्निंग के लिए करते हैं तो हर पर्सन का काम करने के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और ये जो काम कर रहे हैं हम इनको एक्टिविटीज़ कहते हैं तो पीपल आर बिजी इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और uh, हम उनको कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जिसमें पीपल इतने बिजी हैं हम उनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो स्पेशली अर्निंग पर्पज़ के लिए की जाती हैं यानी कि पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें हम अपना कोई काम करते हैं और उसके बदले में सैलरी पाते हैं तो आप समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट सर्विसज हैं वो सारी इसी के अंदर आती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब्स करते हैं वो भी स्पेशली इसी के अंदर आती हैं आपके वर्कशीट में एग्जाम्पल दिया है एक टीचर का एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है या एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को चेक करता है वो क्या कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको उस काम के बदले में एक अच्छी सैलरी मिलेगी तो दैट तो इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब मैंने जैसा आपको कहा था कि जब आप हिंदी में किसी चीज के साथ ए लगा देते हैं तो उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है जैसे सत्य असत्य असत्य मीन्स झूठ सत्य का ऑपोजिट ऐसे ही इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो जब हम नॉन शब्द का इस्तेमाल करते हैं इट मीन्स उसका ऑपोजिट हो जाता है वो नेगेटिव मीनिंग में चला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ऑपोजिट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं एक सैलरी के लिए काम कर रहे हैं अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं जबकि नॉन एक्टिविटीज़ में ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं होता है यानी हम काम करेंगे तो उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल वही टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है जब वो घर पर आकर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो क्या वो फीस लेगा नहीं जो डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को चेक कर रहा है क्या वो अपने घर में आने के बाद अपने फैमिली मेम्बर को चेक करेगा तो क्या उसकी फीस लेगा बिल्कुल भी नहीं तो यही हमारी नॉन एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा इसी को हम मार्केट एक्टिविटीज़ या नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी कह देते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही कहते हैं जिसके बदले में हमें पेमेंट मिलती है ठीक है और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है जो हम अपनी फैमिली या फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हैं नाउ दिस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये आपको टेंथ में भी सेम टॉपिक है तो अगर आप यही से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेक्टर्स को हम जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके सेक्टर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करती हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज सेक्टर भी बोलते हैं और थर्ड है टर्सरी सेक्टर दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर्स आपकी ये वर्कशीट की फोटो मैंने इमेज चिपकाई है यहाँ पर मैं आपको अपने तरीके से भी समझाऊंगी पहले हम आपकी वर्कशीट को डिस्कस कर लेते हैं देर आर मैनी ऑक्यूपेशंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्ट हमें नेचर से जुड़े हुए हैं नेचर से वो व्यवसाय जुड़े हुए हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया एपीकल्चर हो गया सैरीकल्चर माइनिंग लम्बरिंग एट्सट्रा सेकेंडरी सेक्टर वो होते हैं जिसमें मैनुफैक्चरिंग यानी कि ऑक्यूपेशन व्यूमन विद नॉलेज एंड स्किल transform the goods taken from nature into more valuable goods are called manufacturing occupation secondary sector ke andar jo nature se hame primary sector se jo goods mile hain hum usko ek better product mein better valuable good mein अपनी knowledge और skill से transform कर देते हैं जिसे हम secondary sector कहते हैं जैसे यूटेंसिल हो गए जब हमें मेटल मिलती है तो मेटल हमें नेचर से मिलती हैं और फिर हम उसके यूटेंसिल्स यानी बर्तन बना लेते हैं लकड़ी हमें मिलती है और हम उससे फर्नीचर बना लेते हैं कहीं आपने देखा है कि आपको डायरेक्ट बेड सोफ़ा ऐसे पेड़ पे लटक रहे हों और आपने तोड़ लिया हो नहीं तो हमें नेचर से वुड प्राप्त होती है वुड मिलती है जिसे हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर हमारी नीड के अकॉर्डिंग टेबल चेयर फर्नीचर एवरीथिंग नाउ द टर्सरी सेक्टर टू डू वर्क इन ए प्रॉपर वे एंड टू कंज्यूम इट प्रॉपरली वी नीड स्पेसिफिक सर्विसेस प्राइवे प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो गुड्स मिले सेकेंडरी सेक्टर में हमने उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया लेकिन उनका प्रॉपर कंज्यूम होने के लिए उनका कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं यानी हमारे तक पहुंचना ज़रूरी है जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की ज़रूरत होती है जैसे पैकेजिंग बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन इसी को थोड़ा और बेटर वे में समझ लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में आप ये वाली टेबल याद कर सकते हो प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो आपको डायरेक्ट एग्रीकल्चर नेचर से मिलती हैं जिसमें एग्रीकल्चर डेरी फॉरेस्ट्री फिशिंग ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इसे हम कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि हमें ये डायरेक्ट नेचर से मिलता है और इसके अंदर कृषि डेरी उत्पादन या फॉरेस्ट्री यानी कि वन उत्पाद जो होते हैं और फिशिंग ये हमें मिलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया प्राइमरी सेक्टर से ही मिलने वाली गुड्स को अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर हम एक अच्छी वैल्यूएबल गुड्स में चेंज कर देते हैं इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोसेस होता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं वर्कशॉप्स में इंडस्ट्रीज़ में इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ होता है नाउ द टर्सरी सेक्टर्स इसके अंदर जो ऊपर वाली दो कैटेगरी हमने अभी डिस्क्राइब की है अभी डिस्कस की है प्राइमरी और सेकेंडरी वो टर्सरी के बिना उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होने के बाद कंजूमर्स तक पहुंचने जरूरी है जो कि टर्सरी सेक्टर्स पहुंचाता है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट बैंकिंग कम्युनिकेशन स्टोरेज ट्रेड ये सब आता है और इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है रिमाइंड स्टूडेंट्स बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो टर्सरी सेक्टर है या जो सर्विस सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है ठीक है याद रखिएगा अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें यहाँ से व्हीट मिला हमें गेहूं मिला तो गेहूं एग्रीकल्चर से मिला डायरेक्ट नेचर से मिला है हमें हमने उसके अंदर शुगर घी और उसको पीस कर जो उसका आटा बनाया इन सब को मिक्स करके हमने बना ली ब्रेड तो गेहूं से ज़्यादा वैल्यूएबल है ब्रेड आप मार्केट प्राइस देखेंगे तो ब्रेड का पर के जी और गेहूँ का पर के जी निकाल कर देखिए ये तो आपके घर में आता है हाँ, आप इजीली कर सकते हैं और जिस जिसने किया और कितना अंतर मिला कितने रुपए किलो ब्रेड मिल रही है और कितने रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है आप मुझे ज़रूर बताएंगे टर्सरी सेक्टर है लाइक आपको एग्रीकल्चर करनी है उसके लिए लोन चाहिए है या आपको फैक्ट्री डालनी है उसके लिए लोन चाहिए है तो आपको लोन कहाँ से मिलेगा बैंक से तो बैंकिंग सर्विसेज़ इन फ्यूचर कोई हैपनिंग ना हो उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए जो आपको इंश्योरेंस एजेंसी से मिलेगा ऐसे ही आपको अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत होगी तो जो कि टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है एंड uh, आपको उस प्रोडक्ट को उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को आपको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो थर्ड यानी कि टर्सरी सेक्टर से आएगा तो टर्सरी सेक्टर फर्स्ट दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो ब्रेड हमने बनाई वो हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचानी है जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाएगी आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूं कि तीनों सेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है और इसीलिए जो टर्सरी सेक्टर है वो दोनों सेक्टर्स के कंपेरिटिवली बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स वाई डू पीपल डू वेरियस वॉक पीपल जो है वो किन कारणों से अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं फ्रॉम योर सराउंडिंग्स गिव यू फोर एग्जाम्पल्स दोज एक्टिविटीज विच आर बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक अपने आस पास के आपको ऐसे चार एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि इकोनॉमिक और नॉन एक्ट एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स होंगे जो दोनों में हो सकते हैं जैसे हमने बताया कि टीचर जो है वो इकोनॉमिक में भी आता है और नॉन इकोनॉमिक में भी आता है उसी तरह से जो डॉक्टर है वो इकोनॉमिक में भी आता है और नॉन इकोनॉमिक में भी आता है तो ऐसे ही आपको चार एग्जाम्पल्स अपने सराउंडिंग से बताने हैं Now the third is uh, how does the manufacturing or sec secondary sector make goods more valuable? जो manufacturing और secondary sector हैं वो चीजों को कैसे और ज़्यादा उपयोगी या मूल्यवान बनाता हैं? Why does the tertiary sector also called the service sector? और tertiary sector को service sector क्यों कहा जाता हैं? And this is your worksheet. here you can see all uh, i have discussed all these topics now thanks for watching students if you like my videos then subscribe my channel and share more and more your friends so that they get uh, they also get the benefit of my videos during this lockdown and thanks for watching stay safe stay healthy and keep studying have a nice day